क्या आपको सीढ़ियां चढ़ते समय और उतरते समय तकलीफ होती है, या घुटने में दर्द होता है, या घुटना जाम हो जाता है? दो चार सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही आपकी टांगें कांपनी शुरू कर देती हैं। यदि ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे सिंपल और सरल एक्सरसाइज, जिसे आप कुर्सी पर बैठे बैठे दीवार के सहारे कर सकते हैं। यदि आप जमीन पर नहीं बैठ पाते या खड़े नहीं हो पाते हैं तो आप कुर्सी पर बैठे बैठे मेरे बताए गए यौगिक आसनों का अभ्यास करें, ताकि आप अपने घुटने की दर्द की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में छुटकारा पा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दीवार की तरफ चेहरा करके ऐसे बैठ जाएं, फिर एक पैर को ऊपर उठा के पैर का तलवा दीवार से टच कर दें और पैर को बिल्कुल सीधा रखें ऐसे, ठीक है? सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और कमर को भी बिल्कुल सीधा रखें। फिर उसके बाद आपने हल्का सा अपने घुटने को ऐसे मोड़ देना है, ठीक है? अब खिंचाव को महसूस करने घुटने के पीछे की मसल्स पे और नेकैप के चारों तरफ। सांस छोड़ा और घुटना बिल्कुल सीधा, धीरे धीरे करना है, पैर को झटका नहीं देना आपको, ठीक है? ऐसा आपको 8 से 10 बार या 10 से 15 बार लगातार करना है और प्रत्येक बार कम से कम 15 से 20 सेकंड तक पैर को रोक के रखना है। फिर घुटना मोड़ा और 10 से 15 सेकंड के लिए या 15 से 20 सेकंड के लिए पैर को ऐसे ही रोक के रखना है। सांस को लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। फिर पैर को सीधा किया, अब खिंचाव को महसूस करना है घुटने की नीचे वाली मसल्स पे, काफ मसल्स पे, हैमस्ट्रिंग मसल्स पे। फिर पैर को मोड़ दिया, ये ऐसे कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। अब आपको आपके नीकैप के चारों तरफ ना खिंचाव महसूस होगा, जकड़न महसूस होगी, हल्की सी गर्माहट महसूस होगी, क्योंकि आपका घुटना सीधा हुआ, फिर आपने घुटने को मोड़ा तो इसमें आपकी मसल्स ने काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे मसल्स एक्टिव होती जाएगी, आपको अपने घुटने के चारों तरफ और घुटने में हल्की सी गर्माहट का एहसास होगा। और धीरे से इसके बाद पैर को नीचे लाएं और पैर को ऐसे हिला दें, ऐसे, ठीक है? पूरा मोड़ना नहीं है, सिर्फ हिलाना है आपको, ये ऐसे। फिर पैर नीचे किया, पैर ऊपर उठाया, नीचे किया, ऊपर उठाया, नीचे किया, ऊपर उठाया, नीचे किया, ऊपर उठाया, नीचे किया, पैर ऊपर उठाया, पैर, ओके? ऐसा आपको कम से कम एक पैर से 3 से 5 मिनट लगातार करना है, फिर दूसरे पैर से सेम वैसे ही एक्सरसाइज करनी है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये पैर हमने सीधा किया ऐसे ऊपर, तलवा हमने दीवार से टच कर दिया, अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखा, फिर धीरे से घुटने को मोड़ा, पैर हल्का से नीचे लेके आए हम और घुटने को मोड़ दिया, ठीक है? ये फिर पैर थोड़ा सा ऊपर किया और पैर को सीधा कर दिया, ये फिर घुटने को मोड़ दिया, फिर सीधे किया, फिर मोड़ दिया, फिर सीधा किया, फिर मोड़ दिया, फिर सीधे किया, घुटना मोड़ दिया और सीधा किया। आपको बहुत आराम से करना है और प्रत्येक बार जब आप पैर को सीधा करोगे तो 10 से 15 या 15 से 20 सेकंड तक रुक के रखना है। फिर पैर को ऐसे ऊपर उठा के घुटना मोड़ दिया, फिर 15 से 20 सेकंड के लिए रुक के रहना, यहीं पे सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। फिर धीरे से पैर को नीचे किया
और घुटने को ऐसे मूव करना, यानी पैर को हिलाना है तो घुटने की मसल्स अपने आप ही मूव होने लगेगी। फिर पैर नीचे गया, ऊपर उठाया, नीचे किया। अब इसके बाद आपको दोनों पैर दीवार पे रख के दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करना है। ये दोनों पैर सीधे कर दिए, आपने दोनों हाथों से अपनी चेयर को पकड़ना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है ना, अपने पैरों को दीवार की तरफ प्रेस करने का प्रयास करना है, यानी पैरों में ताकत देने का प्रयास करना है। जो आपके शरीर में ताकत है ना, उसको पैरों की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास करना है। तो ये सोचना आपको कि आपको अपने पैरों से दीवार को धकेलना है, लेकिन धीरे धीरे, झटके से नहीं। दोनों घुटने सीधे रहेंगे, धीरे 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 प्रेस करते जाएं, प्रेस करते जाएं। जैसे जैसे आप अपने पैरों को आगे की तरफ प्रेस करते जाएंगे ना, आपके घुटने में भी वैसे वैसे ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए रोक के रखें यहाँ पे। फिर धीरे से दोनों पैर एक एक करके नीचे लाए, ठीक है। कुछ देर ऐसे सीधे बैठ रहे हैं। फिर एक बार और करना है, दोनों पैर दीवार पे रख के, पैर सीधे किए और पैरों को आगे की तरफ आपको प्रेस करना है। ऐसा आपको लगातार 10 बार करना है, ठीक है। पैर दीवार पर रखे दोनों, दोनों पैर आगे की तरफ ऐसे धकेलने हैं। 10 सेकंड के लिए रुकना है या 15 सेकंड के लिए रुकना है। फिर दोनों पैर आराम आराम से नीचे, और यहां पे भी आपको 8 से 10 सेकंड के लिए रुक के रहना है। ये एक्सरसाइज आपको रोज करनी है। इसके बाद आपको या तो घुटने की मालिश करनी है या फिर घुटने को हीट पैक देना है। यदि आपके घुटने में पानी भर गया, घुटने में आर्थराइटिस की वजह से दर्द रहता है, सूजन रहती है, या ग्रीस सूख चुकी है, तो आपको या तो गर्म तेल की मालिश करनी है या फिर हीट पैक देना है। बर्फ की सिकाई या ठंडे पानी की सिकाई नहीं करनी है। लेकिन यदि आपके घुटने में चोट लग गई है और चोट के कारण घुटने में सूजन है और दर्द है, तब जाके आपको घुटने के लिए आइस पैक देनी है, ठीक है। मसाज नहीं करना है, सिर्फ आइस पैक देना है, उससे ही आपके घुटना ठीक हो जाएगा, ठीक। ये रखा आपने घुटने के ऊपर ऐसे, ये हीट पैक है, ये हमने इलेक्ट्रिक आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इसको आधे घंटे के लिए गर्म करके रख लें। जैसे ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप कम से कम 15 से 20 मिनट दोनों घुटनों की आराम से सिकाई कर सकते हैं। ये घुटने के ऊपर ऐसे रख दिया, फिर घुटने के अंदर वाली मसल्स की ऐसे मसाज करें, फिर इसको घुटने के नीचे ऐसे रख लें। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पैर के ऊपर पैर ऐसे रख के, और हीट पैक नीचे रख दिया आपने, ठीक है। आराम से, सबसे अच्छा तरीका, दोनों घुटनों की एक साथ सिकाई हो जाएगी ये, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरे घुटने की भी करनी है। ये नीकैप के चारों तरफ ऐसे धीरे धीरे इसको घुमाते जाइए, ऐसे करके। जैसे जैसे आपके घुटने के अंदर हीट पहुंचती जाएगी ना, वैसे वैसे आपके घुटने की सूखी हुई ग्रीस फिर से सॉफ्ट होने लगेगी, ये ऐसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।